दोस्तों आज मैं आपको आज तक के इतिहास के 8 सबसे लंबे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह लिस्ट पूरी दुनिया से चुने गए उन लंबे लोगों की है जिनकी हाइट का मापन किसी न किसी संस्था ने की है और जनता के सामने रखा है। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, कोई लंबा तो कोई नाटा, कोई मोटा तो कोई पतला। हर इंसान अपने माता पिता और वंशज के अनुसार विकसित होता है, लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा ही विकसित हो गए। तो चलिए अब बिना समय गवाए जानते हैं दुनिया की 8 सबसे लंबे आदमी के बारे में। नंबर 8, ये भाई साहब सन 1982 में मोरक्को में पैदा हुए थे और टैलेंट पीपल इन द वर्ल्ड लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैर वाला व्यक्ति भी यही है जिनका पैर की लंबाई 15 इंच से भी अधिक है। सबसे लंबा पैर और हाइट होने के कारण इनका नाम द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इनकी हाइट 2.42 मीटर है। इनकी लंबाई की मुख्य वजह इनकी वंशज नहीं बल्कि इनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ ट्यूमर है। नंबर 7, डॉन कोहलर। डॉन कोहलर का जन्म 1 सितंबर 1925 को मोंटाना में हुआ था। डॉन कोहलर का कहना है कि जब वे 10 साल के थे तब तक तो वो नॉर्मली बढ़ रहे थे, लेकिन 10 साल के बाद उनकी हाइट इतनी तेज से बढ़ी कि उनके घर वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि डॉन के साथ यह क्या हो रहा है। वे 1969 से लेकर 1981 तक के दुनिया के सबसे लंबे आदमी भी रह चुके हैं। नंबर 6, वनार्ड कॉइन। इनका जन्म 27 जुलाई 1897 को अमेरिका में हुआ था और इनकी हाइट 8.2 फीट की थी। इनकी लंबाई डैडी लॉन्ग्स लेग्स सिंड्रोम नामक बीमारी होने के कारण बढ़ गई थी। नंबर 5, सुल्तान कोसेन। सुल्तान कोसेन का जन्म 10 सितंबर 1982 को टर्की में हुआ था। वे मूल रूप से एक तुर्किस किसान हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वे सबसे लंबे जीवित व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी हाइट को रोकने के लिए सभी साधनों की कोशिश की और 2012 में डॉक्टरों द्वारा उनकी हाइट ग्रोथ को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। उनकी हाइट 2.51 मीटर मापी गई है। वह 2017 तक इतिहास में शीर्ष 10वें सबसे लंबे लोगों में से एक है। नंबर 4, एडोरेड बीफ्रे। इनका जन्म 9 जनवरी 1881 को कनाडा में हुआ था। यह दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे पुरुष में एक माने जाते हैं क्योंकि इनकी हाइट 2.51 मीटर थी जो कि 8 फीट के बराबर होता है। नंबर 3, जॉन एफ कैरोल। इनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में बुफेलो नामक स्थान पर हुआ था। उनकी लंबाई 16 वर्ष की आयु से तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और लंबाई बढ़ने का उनका ये सिलसिला उनकी मृत्यु तक चलता रहा। वह 2 मीटर और 63 सेंटीमीटर की एक अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचे थे। नंबर 2, जॉन रोगन। जॉन रोगन आज तक की दुनिया के इतिहास के सबसे लंबे दूसरे व्यक्ति हैं। इनका जन्म 16 फरवरी 1868 को अमेरिका में हुआ था। वे 12 भाई बहनों में से 4थे नंबर पर थे। नंबर 1, रॉबर्ट वाल्डलॉ। 8 फीट 11 इंच की हाइट रखने वाले रॉबर्ट वाल्डलॉ दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और 15 जुलाई 1940 को मात्र 22 साल की उम्र में इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो दुनिया के लिए एक इतिहास बनकर रह गए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।